हेलो फ्रेंड्स, नॉलिन कौर के किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंच क्यूजीन में सबसे ऑथेंटिक और पॉपुलर डिश है सूफले। क्योंकि आजकल मैंगोज का सीजन है तो हम मैंगो सूफले बनाएंगे। ये एक डिजर्ट है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंगो सूफले बनाने से पहले हम पेरिस आईफिल टावर सेकंड लेवल पेरिस फ्रांस। अब हम अपने किचन में वापस आ गए हैं। 2 टीस्पून्स जेलेटिन हीप्ड, 2 टेबलस्पून्स वाटर, 2 एग्स, 1/3 कप शुगर, हाफ एंड हाफ लेंगे और जैसे हम करेंगे वैसे आप उस वक्त आपको मैं बता दूंगी। 2 टीस्पून्स लेमन जूस, 3/4 कप्स मैंगो पीसेस एंड 1/3 कप क्रीम। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ये आप मदर डेयरी की भी ले सकते हैं या अमूल की भी ले सकते। सबसे पहले हम एग्स के एग योक और एग वाइट को हम सेपरेट करेंगे। हमने एग योक्स और एग वाइट्स को सेपरेट कर लिया है। अब हम वाटर को जेलेटिन के साथ मिक्स करेंगे। और इसको इधर 10 मिनट्स के लिए अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा पानी रखा है फ्राइंग पैन में, इसका हम डबल बॉयलर बनाएंगे। इधर हम हाफ शुगर इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, नोट कीजिए, हाफ शुगर डाल रही हूं एज आई टोल्ड यू। लेमन जूस एंड मैंगो पीसेस। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रेंड्स हम कुक करेंगे इस पानी के बीच में रख के, और इसको बोलते हैं कुकिंग ऑन डबल बॉयलर। और इसको हम कुक करेंगे टिल द शुगर डिजॉल्व्स। फ्रेंड्स देखिए, वाटर इज बॉइलिंग, शुगर इज डिजॉल्व्ड एंड द एग योक आल्सो इज कुक्ड इन इट। और इधर देखिए जेलेटिन, इट इज ऑल डिजॉल्व्ड एंड इट डज नॉट फॉल। इसको हम डालेंगे इसमें और इसको हम स्टर करेंगे टिल द जेलेटिन डिजॉल्व्स and the gelatin also will get cooked in it. See, now the gelatin has dissolved. We'll switch off the gas and we will take this off heat and cool it a little. इसको हमने 10 मिनट्स के लिए कूल किया है और अब हम इसको आइस के ऊपर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कूल हो जाए। इसको ठंडे करते समय आपको सारा टाइम स्टर करना पड़ेगा, नहीं तो ये जहां अगर आप छोड़ देंगे तो ये जिधर भी होगी तो उधर ही सेट करनी शुरू कर जाएगी। अब ये कूल हो गई है, अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। और फ्रेंड्स, क्रीम भी बिल्कुल ठंडी क्रीम है ताकि ये जल्दी कूल हो। और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसको निकाल के यहां पे रख देंगे। अब हम बीट करेंगे एग वाइट्स को बैलेंस हाफ शुगर। एग वाइट्स के बीच में हमने डाल दी शुगर, अब हम इसको बीट करेंगे। बीटिंग ऑफ एग वाइट्स एंड शुगर मींस यू दैट यू मेकिंग अ मोरैंग।
Friends, see, now it is done. It is forming a pattern, and also these are soft peaks. Egg white and sugar has beaten very well. And now we will mix the custard mixture with the egg white mixture. And we will mix it in a cut and fold method. Cut it and fold it. 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 Mix it in this manner. Now we will put it in the serving dish. And now we will flatten the top a little bit. Now we will put it in the fridge, not the freezer, for 1 hour. Then we'll take it out and then we'll decorate it. Ab friends, ek ghanta ho gaya hai aur usko nikal ke decorate karte hain. Lekin usse pehle uske liye cream beat karte hain. Ye whipping cream hai. Isme fat content bahut low hota hai. और ये सोया बेस्ड है और इसको हम बीट करेंगे आइस के ऊपर. Half cup cream that I have beaten till it forms soft peaks. अब हम डिश को फ्रिज में से निकाल. देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हुई है. ये फ्रेंड्स आइसिंग नोजल है और ये आइसिंग नोजल का बैग है और मैंने इन दोनों को फ्रीजर में रखा क्योंकि आइसिंग करते करते अपने हैंड्स की गर्मी के साथ क्रीम मेल्ट कर सकती है. सो अगर ये ठंडा होगा तो क्रीम विल नॉट मेल्ट दैट फास्ट. पुट द नोजल इन द बैग, फिक्स इट एंड पुट द नोजल इन द विद द बैग इन द ग्लास. नाउ वी विल पुट द क्रीम इन द बैग. These are cherries, fresh cherries, and I'm going to put them in the center like a cluster. लीजिए मैंगो सूफले तैयार है. फ्रेंड्स मैंने इस पुडिंग को ऐसे डेकोरेट किया है बट यू नो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू डेकोरेट इट लाइक दिस. यू कैन डेकोरेट इट विद योर ओन क्रिएटिवनेस एंड डेकोरेट इट द वे यू लाइक इट एंड विद योर ओन क्रिएटिविटी.
These are 2 twigs of lemon leaves.